मैं आसाम के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा से ये कहना चाहती हूँ कि कल आप बराग में आके जो बयान दिया वो एक कमजोर बयान था। अब वो वक्त आ गया है, आप धर्म संकट में हैं। आप तुरंत आसाम की जनता को बताइए कि आप पहले क्या है, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के कन्वीनर हैं या आप आसाम के मुख्यमंत्री हैं? आपका प्रायोरिटी क्या है? क्योंकि आपके मन में कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है कि आप नेडा को बचाना चाहते हैं कन्वीनर की हैसियत से, कि आप आसाम को बचाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के हिसाब से? आप दो गेम एक साथ नहीं खेल सकते। आप तय कीजिए कि आपका पहला दायित्व कौन सा है। बोला अगर केंद्र सरकार बोले तो गुवाहाटी को दे दे, नलबारी को दे दे। देखिए, आसाम के मुख्यमंत्री आए कल बराग वैली में, और आसाम के इतिहास में हमने कभी नहीं सुना कि एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर पार्लियामेंट और भारत सरकार कहेगी तो बराग वैली मिजोरम को दे देंगे, वो नलबारी मिजोरम को दे देंगे, वो गुवाहाटी मिजोरम को दे देंगे। अगर आपने सब कुछ दे देना है आसाम का, तो आसाम पुलिस को बॉर्डर में क्यों आपने खड़ा किया? आसाम पुलिस क्यों शहीद हो रहे हैं अगर आप पूरे आसाम को हिस्सों में बांटकर किसी और प्रदेश में देना चाहते हैं? सरासर गलत है। ये कमजोर बयान है, पूरा कमजोर बयान है। आसाम के मुख्यमंत्री कंफ्यूजन में है, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो नेडा को सर्विस दे कि आसाम के लोगों को सर्विस दे। आपने जब शपथ लिया था, आपने आसाम को बचाने का शपथ लिया था, और मिजोरम भी हमारे देश के अंदर है। आप भारत सरकार पे छोड़िए और आप आसाम का इंटरेस्ट देखिए। मैं आसाम के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा से ये कहना चाहती हूँ कि कल आप बराग में आके जो बयान दिया वो एक कमजोर बयान था। अब वो वक्त आ गया है, आप धर्म संकट में हैं। आप तुरंत आसाम की जनता को बताइए कि आप पहले क्या है, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के कन्वीनर हैं या आप आसाम के मुख्यमंत्री हैं? आपका प्रायोरिटी क्या है? क्योंकि आपके मन में कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है कि आप नेडा को बचाना चाहते हैं कन्वीनर की हैसियत से, कि आप आसाम को बचाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के हिसाब से? आप दो गेम एक साथ नहीं खेल सकते। आप तय कीजिए कि आपका पहला दायित्व कौन सा है। मुख्यमंत्री बोला अगर केंद्र सरकार बोले तो गुवाहाटी को दे दे, नलबारी को दे दे। देखिए, आसाम के मुख्यमंत्री आए कल बराग वैली में, और आसाम के इतिहास में हमने कभी नहीं सुना कि एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर पार्लियामेंट और भारत सरकार कहेगी तो बराग वैली मिजोरम को दे देंगे, वो नलबारी मिजोरम को दे देंगे, वो गुवाहाटी मिजोरम को दे देंगे। अगर आपने सब कुछ दे देना है आसाम का, तो आसाम पुलिस को बॉर्डर में क्यों आपने खड़ा किया? आसाम पुलिस क्यों शहीद हो रहे हैं अगर आप पूरे आसाम को हिस्सों में बांटकर किसी और प्रदेश में देना चाहते हैं? सरासर गलत है। ये कमजोर बयान है, पूरा कमजोर बयान है। आसाम के मुख्यमंत्री कंफ्यूजन में है, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो नेडा को सर्विस दे कि आसाम के लोगों को सर्विस दे। आपने जब शपथ लिया था, आपने आसाम को बचाने का शपथ लिया था, और मिजोरम भी हमारे देश के अंदर है। आप भारत सरकार पे छोड़िए और आप आसाम का इंटरेस्ट देखिए।